नहीं चाहिए ना वो है हमारे महान ऋषि मुनियों ने और मॉडर्न डे थिंकर ने दोनों ने ये बातें की हैं लेकिन हमने जीवन में सही तरह से स्वीकार करके विचार करके जीवन में दृढ़ नहीं की दिस इज अ प्राइसलेस ह्यूमन बॉडी आई नीड टू यूज इट टू दिम यह एक विचार जीवन में दृढ़ होना चाहिए तो कुछ आप कर पाएंगे कुछ हासिल कर पाएंगे एंड यू विल लीव अ सेटिस्फाइड एंड अ सक्सेसफुल लाइफ ये विचार एक आया मन में उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस की एक यात्रा चालू होती है उसमें प्रथम याद बात यह है कि आप जीवन में कोई एक अच्छा संकल्प करें यू डिटर्मिन समथिंग इन लाइफ कि मुझे जीवन में ये पांच दस पंद्रह बातें करनी है मैं यहां आप सब बैठे आप सबको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने यहां ऐसे बैठे हो जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई समय पे हाथ में कलम लेके कागज पे कुछ पांच दस आइटम लिखी कि मुझे जीवन में ये करना है हाथ ऊंचा करें फेथफुली पंद्रह बीस हाथ भी ऊंचे नहीं है तो क्या आप यह विचारधारा से जीते हैं कि चलो कल अगर उठे तो कुछ करेंगे अगर कल भगवान की कृपा से आंख खुली तो कुछ करेंगे तो बैठ के थोड़ा तैर करना पड़ता है आपकी जो रस रुचि है आपके विचार में जो एक सोच आती है कि मुझे जीवन में व्यवसाय की दृष्टि से पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से हमारे मित्र मंडल के कुछ प्रवृत्ति की दृष्टि से या समाज सेवा की कोई दृष्टि से मुझे इतनी इतनी बातें समाज में करनी है एक विचार मन में दृढ़ होने तो चाहिए और टेक अ पैन इन योर हैंड इफ यू नॉट डन टिल टूडे वेन यू गो बैक होम टू नाइट बिफोर यू ऑर्ड स्लीप टेक द पैन इन योर हैंड टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट समथिंग कुछ लिखे कि मुझे ये कुछ करना है और अच्छी तरह से चिपका देना जहां रोज बैठते हो कुछ दृष्टि करते हो तो रोज आपकी दृष्टि के सामने वो बात आएगी विचार में से तो चली जाती है लेकिन अगर लिखा हुआ है तो कुछ सामने दिखेगा दैन दैट रिमेन्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड कॉन्स्टेंटली इट रिमाइंड यू कहीं युवा यहां बैठे अंडर थर्टी के बैठे वो हाथ ऊंचा करें कहीं पीछे भी बैठे अमेरिका में एक लड़का था उसकी उम्र थी उस वक्त जब चौदह पंद्रह साल का वो होगा एक बार उन्होंने सोचा जॉन ये बालक कि लेट मी राइट डाउन माय ड्रीम्स एंड लेट मी राइट डाउन माय एम्स ऑफ लाइफ बैठ के लिखने लगा एवरेस्ट पे जाना है नाइल नदी स्विम कर रही है ऐसे लिखते लिखते ही रोट डाउन अबाउट 57 सेवन गोल्स ऑफ लाइफ फिर तो प्रयत्न किया उनका जीवन चरित्र बहुत लंबा है साठ साल की उम्र में एक बार वे फिर से वो छोटी फर्जी थी वो उसने खोली और टिक करने चालू किया कि मैंने कितने काम पूरे किए

सचिन तेंदुलकर को जब 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे हुए तब यहाँ मुंबई टाइम्स ऑफ इंडिया एडिशन में एक उनके बारे में सप्लीमेंट्री प्रोड्यूस की गई थी उसमें उनका इंटरव्यू भी था इंटरव्यूअर ने सचिन जी को पूछा कि सर व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है सचिन जी ने बताया कि आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट आई वॉक क्रिकेट आई टॉक क्रिकेट आई ड्रिंक क्रिकेट आई स्लीप क्रिकेट आई वेकअप क्रिकेट इट्स क्रिकेट 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 ट्वेंटी फोर सेवन तभी जाके जो आज का विषय मुझे दिया गया है अ मिलियनर यूथ एक समृद्ध युवान तभी जाके बन सकते हैं फिर उन्होंने प्रैक्टिकल बात यह बताई कि देर एज नॉट बीन अ सिंगल डे इन माई लाइफ बीस साल का इंटरनेशनल क्रिकेट और चार साल का डोमेस्टिक क्रिकेट चौबीस साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मैं सुबह छह बजे नेट्स पे न पहुंचा और मैंने पहला बॉल फेस न किया हो इंटरव्यूअर बहुत शार्प था इसी उत्तर में थे एक प्रश्न तैयार किया और पूछा कि सर अगर पिछले दिन आपने सेंचुरी या डबल सेंचुरी की है तो सचिन जी ने बताया कि इवन इफ सेंचुरी और डबल सेंचुरी ऑन द प्रीवियस डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग एट सिक्स आई एम एट द नेट्स दिस इज हाउ यू बिकम अ मिलियनर सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूं एक धनिक युवान मुझे विषय नहीं दिया गया समृद्ध युवान की बात हो रही है एक स्वप्न तो हमारा सबका होता है लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है And it's not a नॉट अ वन डे अफेयर a नॉट months अफेयर कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं पुरुषार्थ तो सबको करना पड़ता है सामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति हमेशा सामान्य रहते हैं असामान्य पुरुषार्थ से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन जाती है ये रहस्य की बात है इतिहास के पन्ने गवाह हैं अफ्रीका के जंगल के लिए एक कहावत है बहुत ध्यान से सुनना कि एवरी मॉर्निंग व्हेन द सन राइजेज इन द जंगल्स ऑफ अफ्रीका द स्लोएस्ट डियर हैज टू रन फास्टर मिनिमम फास्टर देन द फास्टेस्ट लायन टू सी द इवनिंग एंड द स्लोएस्ट लायन हैज टू रन मिनिमम फास्टर देन द स्लोएस्ट गैजल दैट इज डियर टू सी द इवनिंग वरना वो बुखा मर जाएगा यह कहानी के बाद अंत में लिखते हैं सो वेदर यू आर द डियर ऑर द लायन एवरी मॉर्निंग वेन द सन राइजेज यू हैव टू रन आप हिरण हैं या सिंह हैं मतलब शेर हैं आप हिरण हैं या शेर हैं सुबह गिरी सूर्योदय हुआ दौड़ना तो पड़ता है हम दौड़ते हैं लेकिन संकल्प एक विचार से कटिबद्धता से ध्येय के साथ सद्गुण जीवन में रखते हुए भगवान ने श्रद्धा रखते हुए जो दौड़ना वो एक अलग बात हो जाती है इन सबको छोड़ के दौड़ते हैं तो कुछ प्रगति होती है सबको साथ में लेकर दौड़ते हैं तो कुछ सिद्धि मिलती है तो सचिन जी ने यह बात बताई कि एवरी मॉर्निंग एट सिक्स आई एम एट द नेट्स मैं 500 डिलीवरी फेस करता हूं उसके बाद सोशल मीडिया ओपन करता हूं और हम जो यह पहले आप समझ गए सब हम जो सब यहां है वो सुबह में उठते हैं जो भी छह बजे सात बजे आठ बजे उठते होंगे और आजकल युवाओं को एक हैबिट सी बन गई है रात को देरी तक कुछ करते रहना मैं ये नहीं बोल रहा हूं काम करते रहना कुछ भी करते रहना और फिर सुबह देरी से उठना ड मोर देन फाइव हंड्रेड बायोग्राफीज एंड ऑटो बॉयोग्राफीज इन माई लाइफ फ्रॉम ने टू विंगन चर्चिल टू एब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू सचिन तेंदुलकर एवरीबॉडी द वन कॉमन पॉइंट ऑफ मैनी दैट आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड यज स्पेश जब ये बात हो रही है द ऑल वेयर अर्ली राइजर्स ये सब हैं वो सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे अब हम जब पीछे बैठे थे रूम में आपके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ट्रस्टीज बड़े लोग साथ में बैठे थे बातचीत हो रही थी वो बता रहे थे कि स्वामी आज हमारे समाज में भी जो युवा वर्ग हैं उनको ये एक आदत गिर गई है रात को देरी से सोते और सुबह देरी से उठते हैं लेकिन ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक बात सही है कि जो मैंने 500 से भी ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े ये सब सुबह में बहुत जल्दी उठने वाले थे ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि आपको अच्छे विचार आएंगे यू विल बी एनर्जाइज बेहतर विल कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड वेन यू वेक अप ऑल इन द मॉर्निंग एंड यू विल सी द वर्ल्ड ऑल टूगेदर डिफरेंट ट्राई करना तो हम बात ये कर रहे थे कि सचिन जी ने ये बात तो बताई लेकिन कहा कि आई डोंट टच दी सोशल सोशल मीडिया बिफोर आई फेस 500 हंड्रेड डिलीवरीज मतलब 500 हंड्रेड गेन फेस करने के बाद तब इंटरव्यू ने पूछा कि सर आपने अगर अगले दिन सेंचुरी की है डबल सेंचुरी की है तो आप लाला नहीं हो जाते